एक बार गौतम बुद्ध एक वन से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध देखते हैं कि तीन व्यक्ति बुद्ध की ओर दौड़े हुए चले आ रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहाँ से एक स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी भी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा। बुद्ध आगे पूछते हैं, परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों हो? वे व्यक्ति कहते हैं, वो स्त्री एक डायन थी, वो हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं, अकारण ही वह तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई? वे तीनों व्यक्ति कहते हैं, अकारण तो नहीं, हम तीनों उस स्त्री को आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु उसने हम तीनों को ही मदिरा पिला पिला कर बेहोश कर दिया और फिर हमारा सारा धन लेकर वहाँ से भाग गई। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा है, उसने तुम्हारा कुछ बोझ हल्का कर दिया। यह सुनकर उन तीनों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाकर बुद्ध से कहता है, अरे, तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो, तुम्हें पता भी है वह धन कितना था? इतना धन तुमने आज तक स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति यह बात नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध कहते हैं, वो स्त्री तो अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। उन तीनों व्यक्तियों ने आश्चर्य से कहा, परंतु ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात लूटा था, पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो अभी भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध कहते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा था, लेकिन तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गंवा रहे हो, वह तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। ऐसा हो सकता है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और दंड दो, परंतु उस भविष्य और इस भूत के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो ही रहा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझ उठाए उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो अनिश्चित है, और खो रहे हो अपने वर्तमान को। उन तीनों में से एक व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, लेकिन यदि हम इसी क्षण में जिए तो? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान पाओगे और अपने सारे दुखों का कारण भी जान पाओगे। उन तीनों में से एक व्यक्ति हंसते हुए कहता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और अगर जान भी पाए तो उससे क्या बदल गया? उन तीनों व्यक्तियों में से एक के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, मित्र, तनिक मुझे अपनी बांसुरी दो। यह सुनकर वे तीनों व्यक्ति हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अब सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेते हैं और बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना आरंभ करते हैं, आसपास के पेड़ पौधों में बैठे पक्षी बुद्ध के आसपास मंडराने लगते हैं और वो तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी के धुन में पूरी तरीके से खो जाते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, परंतु अभी भी वो तीनों व्यक्ति बुद्ध को एकटक देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी मधुर बांसुरी कभी नहीं सुनी थी। वे व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा पाते हैं? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान न लगाकर अपने जीवन के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने के ऊपर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सब लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे। यह कहकर बुद्ध उन्हें उनकी बांसुरी वापस करते हैं और वहाँ से चल देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुमसे तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूँगा, मंजूर है? और वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।